और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है मधुबनी कांड पर। आपको यह बता दी चले कि मधुबनी कांड में मुख्य आरोपी जो है प्रवीण झा, उसकी गिरफ्तारी कर ली गई है। जी हां, इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी हत्याकांड मामले में बड़ी खबर सामने आई है। मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोगों की जो गिरफ्तारी है वो हो गई है और इसी के साथ साथ पुलिस को ये बड़ी सफलता हाथ लगी। मधुबनी कांड को लेकर लगातार सरकार पर ये सवाल उठे थे कि कब तक उन तमाम लोगों की गिरफ्तारी होगी जो लोग इस नरसंहार के आरोपी हैं। नेपाल से इन सबकी गिरफ्तारी हुई है। पुलिस मुख्यालय ने गिरफ्तारी की जो पुष्टि है वो भी कर दी है। तो इस वक्त की बड़ी खबर मधुबनी कांड को लेकर, साथ ही साथ मधुबनी कांड मामले में जो बड़ी खबर सामने ये आई है कि मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 आरोपी जो है वो गिरफ्तार कर लिए गए। इन सभी की गिरफ्तारी नेपाल से की गई है और सरकार पर जो सवाल उठ रहे थे, कहीं ना कहीं अब ये जो सवाल है विपक्षी पार्टी नहीं उठा पाएंगे, क्योंकि अभी भी इस मामले में जो जांच है वो भी चलेगा कि आखिर किन वजहों से जो हत्या है वो की गई है। और इस खबर पर अपडेट जानकारी देने के लिए नवीन नायक हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। नवीन नायक, बड़ी खबर मधुबनी हत्याकांड पर प्रवीण झा मुख्य आरोपी के साथ साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई और क्या अपडेट जानकारी मिल पा रही है? गिरफ्तारी कब हुई और कहां से हुई? पुलिस को कैसे सफलता हाथ लगी? जी राकेश, इस मधुबनी नरसंहार मामले में पुलिस की तो बहुत बड़ी सफलता मिली ही है, जो कि पुलिस का जो आईटी सेल होता है जिसके तहत जो मोबाइल को ट्रैक किया जाता है, उसी के तहत मुख्य आरोपी इस नरसंहार के मुख्य आरोपी प्रवीण झा को पुलिस ने नेपाल सीमा के आसपास, या समझिए कि नेपाल के आसपास से उसे गिरफ्तार किया है। जी, क्या पता चल पाए कि मुख्य आरोपी प्रवीण झा के अलावा जो भी 5 आरोपी गिरफ्तार किए गए इस वक्त कहाँ हैं और कब तक इनसे पूछताछ की जो प्रक्रिया है वो शुरू की जाएगी? जी, अभी तक देखिए इसमें जो जसदीप गवाह के आधार पर जो 35 लोग नामजद और 12 अज्ञात के खिलाफ जो प्राथमिकी दर्ज करवाई गई थी, जिसमें 12 को पहले गिरफ्तार किया गया था पुलिस के द्वारा, अभी आपको इस मुख्य आरोपी प्रवीण झा के साथ साथ 5 उनके साथियों को गिरफ्तार किया गया है। ये आप पूछताछ चल रही है और गिरफ्तारी के लिए। जी नवीन, चूंकि इस मामले में जो मुख्य आरोपी है प्रवीण झा बताया जा रहे, इसके अलावा से साथ ही साथ 5 लोगों की गिरफ्तारी हो पाई है, क्या प्रशासन से बात हो पाई है कि इसके अलावा क्या कोई और भी आरोपी है जो अब तक फरार है या उनकी तलाश पुलिस द्वारा की जा रही है मधुबनी हत्याकांड पर? पुलिस प्रशासन का कहना है कि इस कांड में जितना भी संलिप्त अपराधी है सभी को छोड़ा नहीं जाएगा, चाहे जिस पुलिस को पुलिस के पास जो भी प्रक्रिया है उसके तहत पुलिस उन अपराधियों को पकड़ने का काम कर रही है। जी राकेश जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस खबर पर पूरी अपडेट जानकारी देने के लिए। तो बड़ी खबर मधुबनी हत्याकांड पर, आपको ये बता दी चले एक मुख्य आरोपी प्रवीण झा समेत 5 लोगों की गिरफ्तारी कर ली गई है।